प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं एस कुमार, मनोज आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप देख सकते हैं कि यह अर्थव्यवस्था की क्लास है और आज पहला इंटरेक्शन आप सभी लोगों के साथ में है। इस क्लास में हम लोग यूपीएससी के सिलेबस के बारे में समझेंगे। आइए इसकी परिचर्चा हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहली शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं और हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र के जनक। आप यहां पर देख सकते हैं अर्थशास्त्र के जनक, आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। यह आप देख रहे होंगे यूनाइटेड किंगडम के एडम स्मिथ जी हैं, जिनको बोला जाता है अर्थशास्त्र के जनक, यानी इनको हम बोल सकते हैं फादर। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? फादर। तो ये बहुत एक सामान्य सा प्रश्न है, बहुत पूछा भी जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र के फादर कौन है? एडम स्मिथ। और मैं आपको बता दूं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुल चार नाम आपको याद रखना चाहिए। एक तो आपको मैंने एडम स्मिथ का नाम बताया, दूसरा नाम आप जानिए मार्शल का, तीसरा नाम आप जानिए रॉबिन्स का, और चौथा नाम हमारे जो है इंडियन जो इकोनॉमिस्ट है मेहता जी। तो आप इन चार लोगों का नाम जानिए, आगे जब हम क्लास में चलेंगे तो इस पर हम पूरी पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक महत्वपूर्ण बात याद ये जानिए, अर्थशास्त्र के जनक हमारे जो हैं यह हैं एडम स्मिथ, जिनको हम आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। आप देख सकते हैं 1790 और 1723 जो इनका डेथ है, जो इनकी मृत्यु की तिथि है, यह जुलाई 1790 है, और जो इनका जन्म है वह है जून 1723। बच्चों, आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि 1790 और 1723 इसी पीरियड से अर्थशास्त्र आया है। अर्थशास्त्र एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। जैसे आप समझ सकते हैं हमारे एक बहुत ही मौर्य काल में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, जिनका नाम था चाणक्य, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी। एक बुक तो उनकी चाणक्य नीति थी, दूसरी बुक उन्होंने अर्थशास्त्र की बुक लिखी थी। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नाम बुक का अर्थशास्त्र था, और लेकिन वह बुक पूरी की पूरी किस पर थी? राजनीति पर थी। देखिए, उस बुक के अंदर पूरी राजनीति विज्ञान की बातें थी, लेकिन बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। इसी से आप अर्थशास्त्र की महत्ता को समझ सकते हैं। जब हम बात एडम स्मिथ की कहते हैं, तो एडम स्मिथ ने जानते हैं इसको क्या कहा? इन्होंने एडम स्मिथ ने ये कहा कि देखिए, अर्थ अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान। एडम स्मिथ ने कहा कि जो जो हमारा अर्थशास्त्र है वह क्या है? वह धन का विज्ञान है, धन का विज्ञान है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। जनरली देखिए, जो इकोनॉमिक्स है, लगभग 10th तक इकोनॉमिक्स का कहीं संपर्क नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप 11th या 12th में आते हैं, और अगर आप लेना चाहें तभी आपको इकोनॉमिक जो है सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। और वहां पर आपने दो तरह की बुक पढ़ी होगी, एक पढ़ा होगा वृष्टि और एक पढ़ा होगा समिष्टि। देखिए, वृष्टि की मतलब होता है, वृष्टि का मतलब होता है कीमत, और समिष्टि का मतलब होता है आय। वृष्टि का मतलब होता है कीमत, यानी किसी चीज का मूल्य, और समिष्टि का मतलब आपकी इनकम कितनी है, आय कितनी है। इस आधार पर अर्थशास्त्र को बांट करके पढ़ाया जाता है। लेकिन बच्चों, आइए हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र क्या है, और इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो हमने आपको सबसे पहली बात तो यह बताया कि इसको याद रखिएगा, और इनकी बहुत अच्छी बुक थी, प्रसिद्ध जो पुस्तक थी यह थी वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे हम लोग एक टॉपिक भी पढ़ते हैं, नेशनल इनकम, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें फिर मजा आएगा। अभी फिलहाल हम थोड़ा सा चीजों को आगे लेके चलते हैं और हम अगली बात आपके साथ करेंगे। इसमें हम अगला पॉइंट उठाते हैं और आप देखिए, सबसे पहले हम आपको यहां पर बताते हैं अर्थशास्त्र है क्या। आइए देखते हैं कि अर्थशास्त्र है क्या और इसको हम लोग समझेंगे एक एक करके। अर्थशास्त्र क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक सामाजिक, मतलब इसका लेना देना किसने है? प्रत्येक व्यक्ति से है, समाज से है, हम लोगों से है, हमसे है और आपसे है। सामाजिक विज्ञान की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं जो गुड्स हैं, सेवाएं जो सर्विस हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो यह एक सर्विस हम प्रदान कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले एक सर्विस प्रदान करते हैं, वहां पर आपको कोई वस्तु नहीं देते हैं। सेवाओं के उत्पादन, ओके, प्रोडक्शन, वितरण, विनिमय और उपभोग
का अध्ययन किया जाता है। एकदम इसको रट लीजिएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। आइए बच्चों थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, और हम अगली बात पर यहां पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि आज हमारा जो मेन काम है कि हम यूपीएससी में क्या क्या जो है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या चीजें पूछी जाती हैं, इसके सिलेबस के बारे में हम लोग पर चर्चा करने वाले हैं। तो यूपीएससी मेन सिलेबस पेपर थर्ड के लिए यहां पर हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहली चीज आप यहां पर बोर्ड पर देख लीजिए, हमने यहां पर पहले से ही पीपीटी आपके पास तैयार है और एक एक चीज पे बड़ा मेहनत करके चीजें आपके साथ लाई जाती हैं, आप उसका आनंद लेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, सबसे पहली बात समझिए, टर्म को देखिए क्या टर्म है, भारतीय अर्थव्यवस्था। हमें इंडिया की अर्थव्यवस्था समझिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। योजनाएं आपने पढ़ा होगा ना, पांच पांच वर्ष की योजनाएं, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना, दसवीं पंचवर्षीय योजना, उन योजनाओं के बारे में हम यहां पर बात करेंगे और अन्य कौन कौन सी योजनाएं लाई जाती हैं जिससे जनहित में सबको लाभ मिल सके। तो वही बात है, भारतीय अर्थव्यवस्थाएं, योजनाएं, संसाधन को जुटाने, प्रगति, विकास, इस बात को समझिएगा, तथा रोजगार से संबंधित विषय। आप इंग्लिश में देखिए, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यू रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। आप बहुत एक एक करके देखिए, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, तथा योजनाएं, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की योजनाएं पूरा ध्यान देना चाहिए, संसाधनों को जुटाने, ठीक है, हम कैसे रिसोर्स को कलेक्ट करते हैं, रिसोर्सेस क्या क्या है इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे, प्रगति, डेवलपमेंट, विकास, जो विकास है, रोजगार से संबंधित विषय, और एम्प्लॉयमेंट, भाई लोगों को काम कैसे मिलेगा, काम मिलेगा तभी तो पैसा आएगा, धन कैसे, धन का अर्जन कैसे होगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा, समझिए इस चीज को, कोई तो आपको वस्तु उत्पादित करनी पड़ेगी, इस बात को समझिए, अर्थ पैसा को जुटाने का पूरा प्रयास है। और देखिए इसमें दूसरा पॉइंट आपको दिखा रहा हूं, ये पहला आपने सिलेबस क्लियर कर लिया, विश्व समावेशी विकास। समावेशी शब्द का मतलब होता है, समावेशी का मतलब सभी का विकास हो, केवल अमीर का नहीं, केवल गरीब का नहीं, समझिएगा, केवल हिंदू का नहीं, केवल मुस्लिम का नहीं, सबका, सबका विकास हो, चाहे वह किसी जाति धर्म से हो, चाहे वह बड़ा से बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा से छोटा आदमी हो, समझ रहे हैं, चाहे वह अबला हो, चाहे वह बहुत बलवान हो, सबका विकास की बात हो, विश्व समावेशी विकास, इस बात को ध्यान रखना, मतलब इसको बोल सकते हैं वर्ल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूइंग एराइजिंग फ्रॉम इट, ठीक है, विश्व समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, समझिएगा इसमें कौन कौन से विषय जो हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। ये हो गया, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई सिलेबस में, हम लोग आगे चलते हैं देखते हैं और क्या है सिलेबस। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो अगला पेज है इसमें है बजट। आप देखिए सरकारी बजट, सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजटिंग, यहां पर सरकारी बजट आप देखे होंगे, हर साल बजट आता है, और बजट पर ध्यान रखिए क्या चीजें महंगी हुई, क्या चीजें सस्ती हुई, किस चीज पे अनुदान दिया गया है, समझिएगा किस पे कर कम लगा है, किसको कर ज्यादा देना है, समझिए। तो ये होती है सरकारी बजट, आप इसको ध्यान रखिएगा। और आपको बता दूं फाइनेंशियल ईयर जो होता है, जो वित्तीय वर्ष होता है, जैसे कि हमारे इंडिया में जो वित्तीय वर्ष माना जाता है, वित्तीय वर्ष कहीं भी एक साल का जो टाइम होता है उसको वित्तीय वर्ष माना जाता है, लेकिन कौन सा टाइम पीरियड, तो देखिएगा करंट ईयर जो होगा उसका हम लेंगे कौन सा, उसका हम लेंगे अप्रैल, और अप्रैल से कहां तक, मार्च तक, यानी 1 अप्रैल से लेके आने वाला 31 मार्च हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर होता है। कई जगहों पर जनवरी से दिसंबर चलता है, लेकिन भारत का वित्तीय वर्ष क्या होता है, ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां पर बजट की बात होती है, हर साल बजट लाया जाता है, उसको पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों अगला चीज आपको पढ़ना है मुख्य फसलें, मुख्य फसलें। देखिए अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार फसल है, आप इस बात को देखिए, जीवन की बहुत बड़ी जरूरत भूख है, भोजन है, अब भोजन का उत्पादन,
समझिएगा, यहां पर वही बात हो रही है, मुख्य फसलें देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, ठीक है, कहां 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 चावल की खेती हो सकती है, कहां गेहूं की खेती हो सकती है, समझिएगा इस चीज को, कहां बाजरे की खेती होगी, कैसी मिट्टी है, उस मिट्टी में कौन सा, कहां कहां ज्वार की फसल होगी, समझ रहे हैं, कहां सब्जियों की खेती होगी, तो ये सारी चीजें पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं भाई सिंचाई का भी अगर फसल है तो उसकी सिंचाई की बात की जाएगी, किस प्रकार से हम ट्यूबवेल से उसकी सिंचाई करनी, नहर सिंचाई करनी है, नदी सिंचाई करनी है, क्या संसाधन हम यूज करना है, प्रणाली कृषि उत्पादन, ठीक है, कृषि उत्पादन मतलब जो है आप देख सकते हैं कि उत्पादन कितना हुआ, भंडारण उत्पादन हो गया तो उसको भंडार कैसे करना है, उसके लिए कैसे जो है वेयर हाउस काम करते हैं, इस बात के बारे में देखना, परिवहन आना जाना विपणन संबंधी विषय बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी ई टेक्नोलॉजी से हम किस प्रकार किसानों की समस्याओं को सुन सकते हैं समझ सकते हैं, आइए इसको देख लेते हैं, मेजर क्रॉप्स क्रॉपिंग पैटर्न इन द वेरियस पैटर्न ऑफ द कंट्री डिफरेंट टाइप ऑफ द इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है, प्रोड्यूस एंड इशूइंग एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ द फार्मर्स, इस बात को ध्यान रखिएगा, हम किस तरह से गवर्नमेंट क्या क्या अनुदान देती है, क्या क्या चीजें देती है, इस सारी चीजों पर हमें एक एक करके बहुत बारीक तरीके से पढ़ना है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई, अब देखिए ये इसके बाद अगले पॉइंट पर हम लोग चलेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, और हम लोग जो है यहां पर चलेंगे, अब हमारे पास अगला पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं इसको आप ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट है हमारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, ठीक है, जो हम बात कर रहे थे अनुदान की बात कर रहे थे, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, आप इस बात को समझिएगा, इशू रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडीज सब्सिडी एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, इस बात को ध्यान रखिएगा, न्यूनतम जो है किसी चीज का एक मिनिमम प्राइस होना चाहिए, एक समर्थन मूल्य होता है कि भाई ठीक है अगर मान लीजिए ये गन्ना है तो गन्ने का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया जाता है कि यह गवर्नमेंट इस बात को बताती कि इससे कम इसका मूल्य नहीं होना चाहिए, समझिएगा, नहीं तो क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी चीज, अभी आपको आगे पढ़ाएंगे डिमांड एंड सप्लाई पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको समझाएंगे चीजों को कि कैसे मूल्य बढ़ती घटती है, लेकिन वह एक अलग चीज जाएगी, यहां पर गवर्नमेंट ये करेगी कि हम क्या बताएंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं, अच्छा और देखिए जन वितरण प्रणाली उद्देश्य कार्य सीमाएं बफर स्टॉक खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय प्रौद्योगिकी मिशन पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, आप इसको ध्यान से देखिएगा, इशू रिलेटिंग टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडीज एंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग limitations, revamping issue of the buffer stock and food security technology mission, economics of the animal rearing, इस बात को ध्यान रखिएगा, पशु पालन संबंधी, आप देखिएगा पशुओं के पालन पर बहुत तरह के अनुदान दिए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत तरह की सस्ती बीमाएं दी जाती हैं, पशुपालन को अलग अलग तरीके से बढ़ावा दिया जाता है, तो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, अगला इसमें है देखिए भारत में प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग कार्य क्षेत्र एवं महत्व स्थान ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ठीक, अब देखिए इसको हम फिर से बोल देते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज एंड द इंडिया स्कोप एंड द सिग्निफिकेंस, ठीक है, इसमें भारत जो है भारत की महत्ता कितनी है, भारत किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, लोकेशन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, इस बात को ध्यान रखिएगा, रिक्वायरमेंट सप्लाई चैन मैनेजमेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा, चैन सिस्टम होता है, एक चैन सिस्टम से काम होता है, किस तरह से वो चैन सिस्टम, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, तो ये हमने देखा इसके बाद बच्चों, और ये हमने देखा यहां पर, अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको हमें समझना चाहिए, ये हम आपको बता रहे हैं यूपीएससी के सिलेबस के बारे में, अगला पॉइंट देखिए, भारत में भूमि सुधार लैंड इनफॉर्म, किस तरह से भारत में भूमि सुधार किया गया, किस तरह से जो है हमने जमीन को डिसाइड किया,
कैसे हमने कहा कि जो खेत जोत रहा है खेत उसी का, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी और हमें समझना पड़ेगा इसके बारे में। भारत में भूमि सुधार ठीक है, और इसके बाद देखिए उदारीकरण, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इसको हम भूमि सुधार को बोल सकते हैं लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, इफर्ट ऑन द ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमिक चेंज इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर एफर्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में पढ़ना है कि औद्योगिक ग्रोथ किस तरह से होता है, ये सारी चीजें आपको हम लोग पढ़ेंगे। इसका प्रभाव क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, औद्योगिक नीतियां क्या है, किस नीतियों से इंडस्ट्री काम करती है और उसमें किस तरह की अलग अलग नीतियां लाई गई हैं, ठीक है। 1956 की नीति क्या थी, 2003 की नीति क्या थी, 2013 की नीति क्या है, वो सारा हमें एक एक करके पढ़ना है। इसके बाद क्या है, बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा इसको हम बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए आप रहते कहां पर हैं, ठीक है, आप मतलब मान लीजिए गांव में हैं, आप झोपड़े में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, छोटे से मकान में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, समझिए इस चीज को, ये सारी चीजें अर्थव्यवस्था को शो करती हैं। तो आप देखिएगा यहां पर हम बात कर रहे हैं बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी ऊर्जा, बंदरगाह, अब पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, सड़क रोड के बारे में बात करेंगे, विमानपत्तन एयरपोर्ट सेवाओं के बारे में बात करेंगे, रेलवे के बारे, आप देखेंगे इसमें बड़ा चर्चित मुद्दा है रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, आप देख रहे होंगे रेलवे बिक रहे हैं नहीं, तो वो निजीकरण कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे, रेलवे इत्यादि ये। और इसके बाद लास्ट में है बच्चों इन्वेस्ट मॉडल, ठीक है, किस तरह से हम विदेश के पैसे को भारत में निवेश करवाना चाह रहे हैं, हमारी पॉलिसीज क्या है, ठीक है, और अन्य कंट्रियों की पॉलिसीज किस तरह से काम करती है, यह सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। यह एक छोटा सा सिलेबस और जो आपको पढ़ना है, देखने में छोटा सिलेबस लग रहा है लेकिन इसको जब आप आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे और उस पर किस तरह से प्रश्न आता है, उसे किस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, इन सारी चीजों पर हम बड़े आराम से एक एक चीज पे बहुत अच्छे से परिचर्चाएं होंगी। फिलहाल इस वीडियो में हमने क्या काम किया, आपको जो है हमने यहाँ पर प्रयास किया है कि आपको हमने एक बार सिलेबस अच्छी तरह से बता दिया है और उम्मीद करता हूं कि सिलेबस के पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और जो भी बातें आपको समझाई गई होंगी आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और बाकी सारी चीजें हम लोग क्लास में एक एक कर करेंगे, ठीक, इसके बाद आपको क्लास मिलेगी और उसमें फिर हम एक एक पॉइंट को लेकर के बड़े आराम से बात करेंगे, उसमें आपको समझाएंगे क्या क्या क्वेश्चन बनता है और उसमें हम ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बन रहा होगा तो उस चीज को भी हम लिंक करके आपको एक एक चीज बताते हुए नोट करवाते हुए चलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब अगर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी आप तैयारी करेंगे तो उसमें भी ये सारी चीजें काम में आएंगी, बट हमारा मेन फोकस यहाँ पर यूपीएससी को रहेगा, तो उसके साथ हम सारी चीजों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारी चीजों को लेकर के एक एक चीज को आपको बहुत आराम से बताया जाएगा, नोट कराया जाएगा, मटेरियल आपको दिया जाएगा, आप बस लगातार पढ़िए, कोई बुक आपको नहीं पढ़नी है, कोई किताब आपको नहीं पढ़ना है, जो जो यहां पर बताया जाएगा केवल उसको आप फॉलो करिएगा, जो नोट्स जो मटेरियल यहां से हम प्रोवाइड कराएंगे केवल उसी को आपको पढ़ना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, धन्यवाद बच्चों।